सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई तुहानू पता सी इहदा अंजाम की होण वाला एंट्री होएगी नहीं होएगी इहदे बारे बहुतियां नू पता सीगा तुहानू अंजाम पता सीगा की होणा अंजाम नू इत्थे मेरे गोली मारदी किसे ने मैं अंजाम तों की डरदा इनविटेशन दिता सीगा सारी पार्टियां दे लीडर भज गए विखाउण कित्ते इही असलियत आह है जिहड़ी अपने कोल खड़ी है तुसीं खड़े हो तुसीं वी उन्ने पीड़ तों अज और लोग ये कहते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी के लिए शेखो साहब इतने आए हैं दुख होंगे जो तेरे वर्गे जवान मुंडे को जी मैं सवाल नहीं सवाल है सुनता है क्योंकि सब सवाल है होंगे थोड़े सवाल नहीं सब सवाल है तू कहे कि सदी ना बुलाई लड़े मैं लड़ी जाई मैं भी पूछना है मैनू अपना सारा कुछ क्योंकि शेखो साहब इनविटेशन जेड़ा सीगा शेखो साहब इनविटेशन जेड़ा सीगा वो पार्टी के प्रधानों नू पेट का सिट्टा जो टाइम है चार घंटे मैं कहना कॉल कर सानू बुला लैन अंदर आ जाए या बहर आ जाए देख लीए सिट्टा फिर की निकलना रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाने इतों असं जाके गल करते हैं पंजाब के मुद्दे जोड़े है उ मुद्दे जो कहना असं नवी गल करनी तो थानू कोई पार्टी बनानी पेगी सारे पार्टी के प्रधानों बुलाया नहीं नहीं कोई लोड़ नहीं लोग पंजाब को किसी पार्टी लोड़ नहीं साड़ी पार्टी है ये साढ़े नौकर है असी वोटा पाई हैं ठीक है साड़ी ही पार्टी है शेखो साहब सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े की ताई तुहानू पता सी इहदा अंजाम की होने वाला एंट्री होएगी नहीं होएगी ये बारे बहुतियां नू पता सीगा फिर भी तुसीं आए ये डिबेट करन आए हो या जागरूकता फैलाने आए हो और लोग ये कहते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी के लिए शेखो साहब इतने आए हैं दुख होंगे जो तेरे वर्गे जवान मुंडे को यह जी मैं सवाल नहीं सवाल है सुनता है क्योंकि सब सवाल है होंगे थोड़े सवाल नहीं सब सवाल है तू कहे कि सद्दी ना बुलाई लड़े मैं लड़ी जाई मैं भी पूछना मैं अपना सारा कुछ क्योंकि शेखो साहब इनविटेशन जेड़ा सीगा शेखो साहब इनविटेशन जेड़ा सीगा वो पार्टी के प्रधानों नू सीगा मेरा सवाल तुसीं पूरा लिता नहीं मैं तुहानू इह कह रहा तुहानू अंजाम पता सीगा तुहानू अंजाम पता सीगा की होणा अंजाम नू इत्थे मेरे गोली मारदी किसे ने मैं अंजाम तों की डरदा मैनू पंजाब की कोई परवाह नहीं हैगी अंदर ते नहीं जान दिता गया उत्थे चार कुर्सियां खाली रहियां वो फुल जिहड़े गमलिआं च तेरे वर्गे मारदे बहुत तकलीफ देंगे ठीक है वो सवाल करो तुम यूथ हो पंजाब के बिको ना इन्होंने हथा के ये सवाल ना करो सवाल एक मिनट शेखो साहब मैं सवाल तुम्हें शेखो साहब सदी ना बुलाई मैं लड़ी ठीक है एक गल है यार शेखो साहब शेखो साहब शेखो साहब शेखो साहब मैं तो को उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम सवाल के उत्ते गुस्सा करोगे मैं लीडर को कर सकता उम्मीद मैं ठीक है मैं लीडर को उम्मीद कर सकता वहां निगाह च मैं सदी ना बुलाई वाला बंदा है तो फिर क्या गल करनी क्या असं भी बुलाए गए थे साढ़े भी गेट नहीं खुले मीडिया बाहर चलो थोड़े ना तो अज हुई है ना तो करके तकलीफ होती साढ़े ना लगातार हो रही है जो इंडिपेंडेंट मीडिया इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ए नहीं हो छ आप छड़िए कोई नहीं बचे हो तुम मेरा कहने का परपज यह है कि आपको पता होंगे तैयारी हो जाएगी अच्छी बोल रहे हो कि छे महीने फिर तैयारी हो तो फिर की हो गया उत्थे कोई जड़ा है फांसी तो नहीं लाने लगे ना छे महीने अगे भी टप गए फिर टप जाएंगे देखो साहब एक चीज दसो जो ये पूरा इवेंट स इनू कैश किया जाएगा बाकी स्टेट्स के चोणा हो रही है उत्थे इस चीज़ में लैके जाया जाएगा कि पंजाब दे विच देखो जी साडे मुख्यमंत्री साहब ने इनविटेशन दिता सीगा सारी पार्टियां दे लीडर भज गए विखाउण कित्ते इही असलियत आह है जिहड़ी अपने कोल खड़ी है तुसीं खड़े हो तुसीं वी उन्ने पीड़ तों अज जिन्ने असीं हैगे ठीक है तो जिहड़ा असल है गल इह भी इहदे विच इह ड्रामा तां इन्हां ने वैसे भी कर लेना सी जे ना ये करते तो कुछ ना कुछ अगे भी जिहड़ी इन्हां ने एडवरटाइजमेंट चल रही है वो चीज़ां विखाई रहे हैं ना जिन्नी एडवरटाइजमेंट तुसीं देख रहे हो कितने बजट कितों के कितने गए कि कितने वरते जा रहे पंजाब और जो पैसा इंडिया के जोड़ा है उन्होंने बड़ा होने वास्ते वरत्या जा रहा है ये पार्टी जी है इंडिया अपने आप को एक्सपेंड करके पीएम बनता केजरीवाल पर पंजाबी दिक्कत च छुरे तो पिठा च छो छुरे मार के ये चीज़ा हो रही ना साडा जरा कमाई इस पंजाब सरकार की जी लुट के जी है वो दी जा रही है साढ़े टैक्सा से ये चीज़ें जा रही हैं जहाज लैके दते जा रहे हैं केजरीवाल ये सारा कुछ जरा किया जा रहा है ये गुरु नानक के पैरों की छो धरती है गुरुआ पीर की धरती है ये जे धरो कमाते सौखे नहीं रेंगे जिन्होंने लुट भी लिया वह भी कह रहे हो कि वह भज गए अंदरों भी यही गल कह के भज गए लगता कि तो आया हो इस चीज़ का कोई सिट्टा निकलेगा पंजाब के लोगों को कोई चीज़ मिल जाएगी जो असल मुद्दा है पानी जा रहा वो रुक जाएगा पानी का मुद्दे तो यह तमाशा ही ना होर बनाया हूँ ध्यान सुन लिया जी गल मेरी ठीक है पानी का मुद्दा जोड़ा है इनू पिछलियां सरकार पिछले 30-35 साल तो एक्सपायर करके साड़िया हर वर्ष जो मतलब वोटा होंगे उन्होंने वरत दी एस वाई एल का मुद्दा जोड़ा है ये जे पानिया की गल करिए तो पानी साढ़े जा रहे हैं रोके नहीं जा सकते लगातार जा रहे हैं जाते रहे
शहरीकरण होने करके अर्बेनाइजेशन होने करके लुधियाने शहर के ला लो इतने पता नहीं किनियाँ कस्सियाँ किन्ने जिहड़े नाले आ किन्ने जिहड़े खाले आ बंद हो चुके हैं। इवें पंजाब सारे दे विच इरीगेशन सिस्टम तबाह कर दिता गया, झोने की फसल तुहानू बर्बाद करन वरके लिआंदी गई सीगी। तुसीं अपनी धरती का पानी जिहड़ा हैगा वह कढ के ट्यूबवैलों के फ्री कनैक्शन दिए गए, बिजली तुहानू फ्री की गई, ये सारियां साजिशां इत्थों तक लिआउण वास्ते सी जिहड़ियां अज्ज पंजाब ने होईआं। कुख थोड़ी खाली कर दित्ती, पानी पूरी गल सुन ला पानी थोड़ा अंदरों खाली कर दिता। असं उस पानी पिछले लड़ रहे हैं जो हिमाचल चो आ रहे हैं तो थोड़े चो क्रॉस होकर जा रहे हैं। ठीक है, रिपेरियन राज के मुताबिक साढ़े भी राइट है, असं वो पैसे मंग सकते हैं, असं वह अवजाना लेने लै सकते हैं। पहला गंग नहर चलती सी उसके अवजाने दिते जाते होंगे सके, अब कोई गल नहीं करता, अच्छ कहते पानी नहीं जान देंगे, जान दे देंगे, मूंद नहीं जान देंगे। पानी जा रहा है, पानी वध जा रहा है, पानी जाता रहेगा, पानी रोकया नहीं जा सकता। एक नहीं कड़े कट है, मैं कहना जे अच्छ उस सरकार कहनी भी पानी ना ना रोक लो अपना, थोड़े को जवाब है एक घंटा पानी रोकया जा सकता? मैं कहना एक घंटा पानी रोकया जा सकता? असी साजिशों के तहत धरती अपनी खाली की, बारे कदे गल नहीं की। झोने की फसल उदों पैदा होंगी है जो बारिशा होंगे, असी कद्दू करके झोना लाने ताकि थले प्लस्तर हो जाए, थले पानी ना चला जाए जितनी बारिश होंगी फ्लडिंग। एक चीज़ दसो, लीडर के उत्ते गुस्सा निकलता, आम पब्लिक है, लोग ने उन्होंने वार वार झंझोड़ के तुम हिलाने की कोशिश की कि जागो जागो, मुद्दे असल ये ने, लेकिन उन्होंने मुद्दे कुछ होर बन जाते हैं। हाले भी जे साड़ी गलबात जो हुई है उसदे विच जे जो सुनेंगे अग्रैसिवनैस सुनेंगे कि हाँ भी पत्रकार लड़ पिया, शेखों ना शेखों लड़ पिया, ये चीज़ा चलनगियाँ, लेकिन जी तुम बाद एस वाई एल की गल की हैगी असल मुद्दे लोग पछाणदे है, लोगों का किड्डा वड्डा कसूर है? नहीं देखो, एजुकेशन क्यों खोई गई थोड़े को, थोड़ी हैल्थ नूं क्यों नुकसान किया गया, थोड़ी जवानी बाहर क्यों भेजा जा रहा? ये सारिया साजिशा वो है कि लोगों से आवाज़ ना जाए, अनपढ़ता रहे थोड़े से जोड़े मतलब कुछ थोड़े बहुत लोग है उन्होंने वह जी नौकरियां देकर गुलाम कर लो, किसी पुलिस की वर्दी पवा दो, कुछ होर कर लो, अपना अंग बना लो। ये जी सारी साजिश हैगी है तुम्हें इन मुद्दों तो भटकाने वास्ते। पर फिर भी इसके बावजूद मैं क्योंकि इतने इलैक्शन कंटेस्ट किया तो पता है वो करके मैं बहुत कुछ अंदरों वो वेखन का मिलया जो कि अभी एज ए पुलिस अफसर नहीं देख सकते थे, किमें पैसा चलिया, किमें नशे चले। इस टाइम के 22 के इलैक्शन इलैक्शन कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं हैगी, इसके बावजूद 92 सीटा का मैंडेट आया छोटे भाई, 92 सीटा जरा अज तक नहीं कर आया, लोग जागे हुए हैं कि सिट्टा निकलता हों, सू मास्टर देंगे दे इस चीज़ का सिट्टा कड़ो, ये डिबेट का फिर तुम की सिट्टा कड़ोगे? डिबेट का सिट्टा तो अजय टाइम है 4 घंटे, मैं कहना कॉल कर सू बुला लैन, अंदर आ जाए या बहर आ जाए देख लीए सिट्टा, फिर की निकलना जे करते हैं करते अपने अंदर बह के जे करनी है, पता नहीं किहड़े बंदे अंदर बिठाए हैं, 4 पार्टियां तो अजय नहीं अपने इंडे बुलाए थे, फिर कौन अंदर बैठे है, कि डिबेट हो रही है, ये बारे आप की गल कर सकते हैं? आप पंजाब पिछले रौला पाई रहे आप सारे। 4 सवाल सके कहते कि आखिर पंजाब नशा कौन लैके आया, पंजाब गैंगस्टर कौन लैके, कि उन्होंने रखे अपने कोल, कि ने पंजाब धोखा किया, इन सारिया चीज़ों की कहते चर्चा होनी, इन चुना सवाल किहड़ा सी? देखो आप नशे की तुम गल की इतों ले लीए, नशे आदमी के नाल जन्म जन्मांतरों तो चलते जदों का इंसान बनया हुआ, वक् वक् ऑरगैनिक नशे चलते होंगे सके चलते रहे हैं, ओपीओइड की फॉर्म्स हाँ सारे हर चीज़ दवाइया भी तोड़ी नशे पेंदे तो सारी गल का पता है। पर यह 2005-06 तो बाद जो मतलब दोबारा 7 सरकार आई है उस तो पहला इन्हों का जो नैक्सस जो एक ग्रोह हैगा जो कैमिकल नशे बना उन्होंने हो गया से अकालिया की सरकार के नाल, ठीक है, उतों मतलब वो जो मेन बुड बजा वो नशा जो कि थोड़ा मारन लग पाया सिंथेटिक, हाँ सिंथेटिक। ईवन एक माता ने मेरे ना गल की है अपने खोखर पिंड है परसों ही, वो कहती भी साढ़े पिंड पुछते हैं भी कि नशा लेना है, केजरीवाल वाला लेना है, मजीठिया वाला लेना है, या मतलब दिल्ली जो नाइजीरिया वाले लेके आते कैमिकल्स इतों वाले कैमिकल ज असली लेना है जोड़ा कि असं अफोर्ड नहीं करते, जी असली हैरोइन है वो तो इन्होंने चंडीगढ़ बैठे जोड़े बच्चे उ जोड़े है अफोर्ड कर सकते हैं, जिन्हों के प्यो IAS है, जिन्हों के प्यो लीडर है, ठीक है, जिन्हों के प्यो बड़े जिमीदार है अमीर लोग है उन्होंने घर असली हैरोइन जोड़े उन्होंने बच्चे लैके रात को 5-5 बजे 4 बजे तक चंडीगढ़ पब्बा जो डांस होंगे ना वो भी पंजाब का यूथ ही है, पर उन्होंने पता नहीं है भी साढ़े घर भी अग बलती है साढ़े वास्ते। कैमिकल नशा जो गल करते हो वो 2006 तो बाद आया, 10 साल जोड़ा है 13 के जो भोले होरी फड़े है उतों स्टार्ट होंगे क्योंकि उन्होंने ये धंधा शुरू कर लिया भोले होरां ने, वो पहला ये काम करते थे पर जो उन्होंने ये धंधा शुरू किया इन्हों का नुकसान होने लग्या, इन्होंने फड़ के अंदर दिते अपना व्यापार वड्डा किया, 17 तक चलाया, 17 तो 22 तक जी सरकार आई सी कांग्रेस की उन्होंने वो 10 साल दे 15 साल कर दिता काम, 5 सालों 15 साल जो नशा बेचिया कैप्टन संदीप संधु सीगा अदा जे मुख्तार अंसारी वर्गे लिया के रखे से गैंगस्टर उन्होंने राखी आ रंधावे वर्गे सुखजिंदर होरी करते थे सारे ने सारे रल के रज के धंधा किया अगह अगलिया चाबियां इस सरकार को फड़ा दियां जिन्हें साड़ियां धियां भैणां भी सड़कों पर लै आंदियां यह प्राप्ति इन्हां दी 1.5 साल के असली कहानी नशे की जी जी जिदे हल तो बिना कोई होर हल नहीं निकल सकता। ये सब तो व्डा कमाऊ पोता है 1000 की जी है जी 3-4 कैमिकल है कोई 1000-1200 रुपए किलो तो वध की
कीमत का नहीं है वो मिश्रण ना 1000-1200 रुपए की जी चीज़ है वो जाके बिकती है करोड़ की 1.5 करोड़ की 2 करोड़ इतू वा नफा कहड़ा है इतू वा कमाऊ पुत कौन है सरकार का आए हो वो महकमे का भी कहते हिस्सा होंगे जो एक सिस्टम चल रहा है। मैं महकमे बारे हमेशा स्पष्टीकरण दिना हूं कि मैं महकमे बारे कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं कहता क्योंकि पार्ट है ये महकमा एक हथियार है एक हथौड़ा है एक बंदूक है एक डंडा जो मर्जी समझ लो जिदे हथ च वे वाल ध्यान करो ठीक है वो ये क्योंकि डंडा मारना जोड़ा वो भी बेनीफिट तो लूगा ही इस कोई शक नहीं है पर दुखी तिक्की वाले है 98-97% जोड़ा है उन्होंने पिछले जिन्हें पिछले पावर काम करती है उन्होंने हाथ में है जहाँ इन्होंने सीनियर अफसर के हाथ में है आ जोड़े सामने थोड़ा आ लाशा बेचारे मुर्दे दिखाई देते हैं इन्हों का कोई कसूर नहीं इन्हों अज कोई चंगा बंदा मिले तो चंगा काम कर देंगे अज कोई माड़ा जो मिले भी तो माड़े काम करी जाते हैं इस करके हथियार ने इन पर गुस्सा करो ना करो क्योंकि दिखाई देंगे है किसी ने भी कोई इंप्लीमेंट करवाना धक्का वो पुलिस के थ्रू होगा तो आपको पुलिस जी है माड़ी दिखाई देती है इन्हों ठीक करने वाले जो बंदे होन यही पुलिस जी है थोड़ी शाबाशेरी भी 2-4 महीने ही कह सकते लोग तो लोग भी पंजाब के भी पंजाब की पुलिस यो सी जी अज यही हो गई है तो इस करके इन्हों हुक्म देने वाले जोड़े है उत्थे प्रॉब्लम है इन्हों के प्रॉब्लम जी है उन्होंने करके इन्हों की अपनी पर्सनल हैगी है। शेखो साहब हम जाते जाते एक गल होर सुन जो अपने बारे सर कलम होंगे कल उनके यहाँ जिनके मुँह में अभी जबान बाकी है इस करके कह रहा है वा क्योंकि तुम पहला खफा हो गए थे सवाल सवाल हों तिखा भी हो सकता लेकिन थोड़ा जवाब जरा स्पष्ट बेटा तुम बच्चे आ रही हो मेरे मैं मेरा गुस्सा की है मैं कहना गुस्सा करना थोड़े ने ठीक है मैं जो देखा जाए तो लड़ाई की है मेरे घर भी 2 रोटियां पकदी हैं न्याणे बार बैठे हुए हैं मेरे काम तो कोई है ही नहीं मैं तो बहुत मूर्ख आदमी है जोड़ा इस काम में पिया हुआ जो मैं तो लग्या कई बार लगता वह जहाँ कोई इतने बड़े घाक भी फिरते हैं ठीक है उन्होंने पता ही नहीं है थोड़े जोड़े नुकसान जोड़े थोड़े हुए हुए हैं तुम तो मेरे न्याणे तो छोटे होंगे मेरे ख्याल सारे तो है अदरवाइज क्योंकि वन साइड मेरे ना जो चल रहा जो कुछ अज तक होया ज्यौदे जोड़े आप लोग बैठे हैं ज्यौदे नहीं लाइव हिस्टरी में इदू वाल धक्का किसी ना नहीं होया एक्सपीरियंस पिछले बहुत कुछ होया अज की हिस्टरी में मैंने एक बंदा कढ़ दो जिन्हें नहीं किया हो तो मैं बहुत तकलीफ हाँ पर मैं यह भी मैंने हूँ इस बार प्रॉब्लम भी की है इस बार गवाना भी की है यही मैं सवाल सारे सीनियर लोगों को करदा भी साढ़े को इस बाद मौत वाला रस्ता बचा हुआ वो वैसे भी आ जानी है जे इतने सारा कोई ना गोली मारूगा तो वरिंदर सिंह सेखों ने बैठे नहीं रहना गा सच बोल जाइए कुछ ना कुछ कर जाइए असं गुनाहगार हैं असं इस पंजाब को बर्बाद करने हिस्सा पाया होया ये मनन सारे लोग जो सीनियर है साढ़े सीनियर लोग तो कल कट्ठे होकर गए हैं जोड़े बुद्धिजीवी साढ़े मैंने कल की बड़ी तकलीफ हो रहा है ठीक है बुद्धिजीवी कट्ठे होकर बड़े बड़े धर्मवीर गांधी की अगवाई सुखबीर सिंह बादल जाके मिलते हैं भी तुम जाके पंजाब स्टेट का कुछ करो उधरों एक बुद्धिजीवी जमात जी पंजाब टेलीविजन वाले की हैगी है ठीक है उन्होंने एक सज्जन जे अगवाई करते हैं प्रगट सिंह होर की SYL मुद्दे से ये सारे लोग इन्हों दोबारा ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उदू वड्डी दुश्मनी पैदा कर रहे बुद्धिजीवी वर्ग जिहड़ा हैगा इस टाइम पंजाब का उदू भी अगला दुश्मन साबित होने वास्ते जा रहा है जे वो नवी पार्टी की नवी खेतरी पार्टी की गल ना करके इन्हों पार्टियों फिर दोबारा क्यों भी तुम यही देखो तो फिर आप हिसाब लाओ थोड़ा फ्यूचर की है आज बच्चों का की गाँव वाले समय थोड़ा की होने वाला है इस गल की तकलीफ है और जो मेरी गल तो कुछ शब्द लगे हो बहुत बहुत शुक्रिया सेखों साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू हजरात मैं थोड़ा अपना कासद लंकेश त्रिखा साड़ी टीम बहुत मेहनत करती है तुहाडे लई रिसर्च फैक्ट्स ते डीप एनालिसिस बेस्ड वीडियो कंटेंट तैयार करन दे लई बड़ी खुशी की गल होएगी जे तुसी साडे चैनल नूं यूट्यूब ते सबसक्राइब करो ते नाल दी नाल बैल आइकन नूं दबा दिओ ते जे ये वीडियो तुसी फेसबुक ते देख रहे हो तां जरूर साडे पेज नूं लाइक करो ते फॉलो करो ते जे तुसी साडे चैनल नूं व्हाट्सएप ते फॉलो करना चाहते हो तो अपना व्हाट्सएप खोलो उत्थे अपडेट्स च जाओ साढ़े चैनल एड्रैस इट्स नूं उत्थे सर्च करो तो साढ़े चैनल नूं उत्थे तुसी ऐड ऑन कर सकते हो।